बचपन में ही मुझे पता चल गया था कि मैं शायद संगीत के लिए बना हूँ। You have to find a voice of yours first to start singing. The notes always made sense to me more than conversation. कॉलेज में तो अनवाइन करने के लिए सिर्फ एक ही मेडिसिन था हमारे लिए, म्यूजिक। If you're honest with your work, you don't have to worry about anything. You know, बहुत कम और बहुत किस्मत से ऐसे मौके मिलते हैं ऐसा एक शो करने के लिए। जब मौका मिला है कुछ अच्छा करने का तो हम वही क्यों करें जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं? ऐसा क्यों ना करें कुछ कि लोग बोलें कि वाह, इन्होंने रास्ता क्या पकड़ा है। In a world full of chaos, take a moment to unwind. 10 episodes celebrating 10 genres of music. Let's unwind with Pop On. Only on Unacademy Unwind with MTV. I have worked with MTV for various projects. So, जब Unacademy Unwind with MTV आया, तो I was wondering कि अब क्या करें? अपने आप से challenge है ना कि अब तक मैंने ये किया, अब मैं और क्या करूँ जो मुझे exciting लगेगा? I'm very fascinated by Hemant Kumar, S.D. Burman, R.D. Burman, even Kishore Da. उस जमाने के म्यूजिक में बहुत ज्यादा ऑर्केस्ट्रा लाइव एंड इंडियनाइज किया गया था। तो दैट्स वेयर यू नो एक दिमाग में आया कि कुछ ये साउंड शायद मुझे लगता है कि यू नो विल गो विद दिस एंड आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा। ये भी एक लालच भी है। So as the song is ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सॉन्ग को रोमांटिक तो रखना ही है। आई हैव टू कीप इट लाइक इंटीमेट एक्चुअली, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। लेट्स सी ऑन स्टेज क्या होता है, लेट्स क्रैक इट। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स एक्चुअली। सो एज आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आई called Ishan and I just gave him the melody. He's a magician with chords, so, and really hardworking. He just came up in like overnight, one beautiful basic track with drums. We had one thing in mind ki we cannot keep this song very bouncy because the song talks about love. We had to keep it very subtle with the drums, basically the rhythm section. I hope you guys like this. We really loved jo product, jo sound nikla. ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। सोई सोई चांदनी पेड़ों की शाखों पे, तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी। रात ये बहार की फिर कभी न आएगी, दो एक पल और है ये समा, जा दिल की दास्तां, लहरों के होंठों पे
धीमा धीमा राग है लहरों के होठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले खुलने दे अब धड़कनों की ज़बान सुन जा दिल की दास्तान जाती बहारें हैं उठती जवानियां जाती बहारें हैं तारों की छाँव में कह ले कहानियां एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के लौट कर न आएंगे काफिले बहार के आ जा अभी जिंदगी है जवां सुन जा दिल की दास्तां ये रात ये चांदनी फिर कहां सुन जा दिल की दास्तां My parents were folk musicians. Mummy, classical musician thi. Pitaji, folk musician. He's called the Bihu Samrat of Assam. Till I was maybe 29, tab tak mujhe pata hi nahi tha ki main gana gaunga. So I found music on my own, actually. One thing I remember, my dad, when I started making music, unhone mujhe ek cheez bola tha ki beta, One thing is most important, make honest music. कि आपके दिल से किसी के दिल तक जाए एक बात. वहाँ कौन है मेरा जो गाना है मुझे immediately मन किया करने का. मैं बहुत पहले से jam करता हूँ. I can see a lot of Bhatiali, Baul, East, Tripura, you know, all that, Assam. So it was a challenge to me and I like challenges. अगर मुझे ये गाना आता मुझे करना होता देयर वाज नो मूवी अटैच्ड टू दिस तो मैं क्या करता तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ गाने को तो देखते हैं कैसा होगा सो दिस सॉन्ग हैज बीन विथ मी फॉर वेरी लॉन्ग आई रियली वांटेड टू ब्रिंग इट टू इवन यंगर जनरेशन जिन्होंने नहीं सुना हो एंड मे बी कुछ अलग करने से सुने यू नो दैट काइंड ऑफ वाइब सो फिर मैंने संतोष दा की तरफ ये आइडिया दिया फेंका आगे बढ़ाया कि क्या कर सकते हैं आपने बोला कि सॉन्ग्स को रहने दो और खाली ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए कि वो सॉन्ग को भी अच्छे से पकड़ के रखे प्लीज प्ले लिटिल बिट कहाँ तो आप बजाते रहिए मने नने मनने तो दैट भाटियाली जो एसडी बर्मन जी का जो जो ईस्टर्न फोक एलिमेंट है वो भी बरकरार रहा है व्हाटएवर यू हैव डन व्हिच इज वेरी क्वर्की एंड थैंक यू सो मच थैंक यू पपन एंड दिस इज व्हाट वी हैव कम अप विद एंड वी रियली एंजॉय आई होप यू एंजॉय लिसनिंग टू इट व
वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ तमने ले घड़ी भर ये छया पाएगा कहाँ वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ तम ले ले घड़ी भर ये छया पाएगा कहाँ वहाँ कौन है तेरा प्यार के पलछिन सपना बनी वो राते भूल गए वो तू भी भुला दे प्यार की वो मुलाकाते प्यार की वो मुलाकाते सब दूर अंधेरा सब दूर अंधेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ दम ले ले दम ले ले घड़ी भर ये छया पाएगा कहाँ कोई भी तेरी राह ना देखे नैन भी छाए ना कोई दर्द से तेरे कोई ना तड़पा आंख किसी की ना रोई कहे किसको तू मेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ तम ले ले घड़ी भर ये छया पाएगा कहाँ कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी पानी बेलिखी लिखाई है सबकी देखी है सबकी जानी हाथ किसी के नानी कुछ तेरा ना मेरा कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ दम ले ले घड़ी भर ये छया पाएगा कहाँ दम ले आई थिंक क्योंकि मेरे आवाज में एक वो टेक्सचर है वो एक जोन है एंड दैट्स व्हाई मे बी आई थॉट अबाउट डूइंग दिस आल्सो क्योंकि मुझे ये गाने गाने में मज़ा ज़्यादा आता है
गायकी कितनी भी अच्छी हो, मेरे लिए एज ए कंपोजर प्रोड्यूसर, मुझे, मैं जब गाना बनाता हूँ तो आई जस्ट लुक फॉर द टेक्सचर फर्स्ट, क्योंकि दैट इज नेचर्स गिफ्ट फॉर अ सिंगर टू अंडरस्टैंड वेयर हिज रेंज इज, व्हाट हिज टेक्सचर इज लाइक. यू हैव टू फाइंड अ वॉइस ऑफ योर्स फर्स्ट टू स्टार्ट सिंगिंग. आपका आवाज़ क्या है, कहानी आप बोलने वाले. बेकरार कर दिए हमें. तो क्या यू केम अप विद दिस लाइन ना? बेकरार कर गए हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. So this is what we came up with. We didn't want to produce it so much. ये बहुत बड़ा गाना musically नहीं बनाना था. अब main instrument के जगह से भी हमें लगा कि एक wind या कुछ instrument हो ताकि इससे अलग हो जाए, तो हमने saxophone लगा कि इसमें fit हो जाएगा अच्छा. So thank you for giving us this opportunity and I hope आपको भी मज़ा आए सुनने में. बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं. देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं. चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं. यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम. देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम. खोए खोए भंवरे भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम. बहक बहक नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आई. बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. Crack a song अलग अलग तरीके से जाना होता है, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं होता. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं अकेले मेलोडी क्रैक करता हूँ.
sometimes the other way around, my people at home is jamming, sab baatein kar rahe hain idhar rahe aur main guitar leke baitha hu. And when you collaborate, then that's a different color. Hone laga hu is going to be the original composition for An Academy Unwind with MTV. First I did another melody which was very jazzy. फिर हम इस पे आए कि थोड़ा एक गाना अलग करते जो थोड़ा सा कंटेम्पररी पॉप बैलेड उस स्पेस पे हो. तो मेलेडी हैपन वेरी जल्दी से हुआ, 10-15 मिनट में गाना बन मेरा मेलेडी बन गया था, ऐसे होता है कभी. एंड लिरिक्स हमने लाइक गोल्डी सोहेल, वेरी यंग बॉय कंपोजर प्रोड्यूसर, सो आई गाइडेड हिम थ्रू अ स्टोरी लाइक ए बॉय एंड अ गर्ल मीट्स काइंड ऑफ स्टोरी. एंड यू डोंट नो कि इसका कोई फ्यूचर है कि नहीं, ये जो मीट है ये आज ही का है कि कुछ दिनों का है कि नहीं है. बट लेट्स जस्ट लिव इन दिस मोमेंट. वी केप्ट द म्यूजिक वेरी सिंपल मॉडर्न कॉन्टेम्पररी. हालांकि ये काफी अलग है बाकी गानों से. दिस सॉन्ग होने लगा. सो द मोमेंट आई हर्ड द मेलोडी दिस थिंग केम टू माई माइंड. So it's also a great thing to for a new song to be performed in a show like this. I hope you like it. We loved making the song. वजह तू है आई तेरे आने से जीने लगे लम्हे मेरे हाथ इश्क के आंचल में एक घर हो तेरा और मेरा मिटा दो ना तेरे मेरे दरमियां दूरियां हैं जो थोड़ी सी आज तुम इस पल ही होने लगा हूँ तेरा न जानू कैसे मुस्कुराऊं बेवजह या वजह तू है दिखने लगा है दिल है सुनाता हज़ल जो तुझ पे है इसने लिखी रास्ते तू चुने या मैं चुनूं सफर तो है एक ही बहता मैं जाऊं जिस ओर बहने तू कहे चाहे डूब जाऊं मैं होने लगा हूँ तेरा न जानू कैसे मुस्कुराऊं बेवजह या वजह तू है तेरे आने से जीने लगे लम्हे मेरे हाँ इश्क के आंचल में एक घर हो तेरा और मेरा तेरे मेरे दरमियां दूरियां है जो थोड़ी सी आज तुम इस पल ही होने लगा हूँ तेरा न जानू कैसे
मुस्कुराऊं बेवजह ये वजह तू है।